नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डब यूनिवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है बड़े विवाद लगे हुए हैं, उसी क्रम में दोस्तों एक और विवाद देखने के लिए मिल रहा है जो कि दोस्तों चयन सूची के संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। कई सुनवाइयाँ हुई हैं सरकार की तरफ से सूची को लेकर, कहीं ना कहीं दोस्तों निष्क्रियता देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती पर अभी भी स्टे लगा हुआ है। अब ऐसे में न्यूज़ के माध्यम से क्या जानकारी निकल गई, क्या इसको लेकर बात करेंगे, साथ में अधिकारियों के जवाब को लेकर नई चयन सूची को लेकर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो 69,000 को लेकर दोस्तों NCVC में जो सुनवाई होने वाली है 3 बजे से शुरू होगी। ऐसे में अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभ्यर्थी के एडवोकेट भी दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे लगातार 200 अभ्यर्थी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो मामला दोस्तों NCVC के अंदर लगने वाला है, सरकार की तरफ से डाटा आने वाला है, डाटा आएगा कि नहीं आएगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर दोस्तों आज सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पहले से ही NCVC में पहुँच चुके हैं। बाकी अब सुनवाई के बाद क्या होगा ये दोस्तों बाद में क्लियर होगा, लेकिन ऐसे में न्यूज़ के माध्यम से भी दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को तलब किया गया, जैसा कि आप सभी को बताया कि बेसिक शिक्षा के सचिव को बुलाया गया है, PNB सचिव को बुलाया गया है, उप सचिव को बुलाया गया है। तो ऐसे वो सभी जाकर दोस्तों अपना जो पक्ष है वो रखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों पिछली सुनवाई के अंदर भी आप सभी ने देखा था कि अगली तारीख लग गई थी, उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं मांग की गई थी मूल सूची को लेकर, जो कि सरकार की तरफ से अभी तक नहीं बनाई गई। आप सभी यहाँ पर देख पाए सरकार ने नहीं बनाई है अभी तक मूल चयन सूची। तो ऐसे में अगर चयन सूची बन गई होगी, अगर यहाँ पे अधिकारियों की तरफ से दी जाएगी, तभी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। जो चयन सूची जारी होने वाली है उस पर आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अभी भी NCVC की तरफ से स्टे लगा हुआ है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 31,000 पदों के भरने के बारे में आदेश तो दिया गया था, लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ से कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। कायस यही लगाए जा रहे हैं कि NCVC से जैसी राहत मिलेगी उसके बाद में दोस्तों भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपको डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है। अब ऐसे में आपको पता है प्रक्रिया पहले से स्टे की जा चुकी है, अब यहाँ की सुनवाई के बाद में काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि दोस्तों आगामी 31,000 के बारे में होंगी। 7 तारीख को आप सभी को बताया कि 69,000 का मुद्दा लिस्टेड हो गया है। ऐसे में तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो लगातार दोस्तों आप सभी को आज की सुनवाई की जो अपडेट ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। जैसे ही दोस्तों अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर जल्द आपको अच्छी खबर भी मिलने वाली। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।